नमस्कार। सन 80 के दशक से 90 तक होते हुए जब एलके आडवाणी वगैरह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बीजेपी के, एक शब्द राजनीतिक चलन में आया, तुष्टीकरण, यानी अपीजमेंट, यानी किसी को झुनझुना दे के, मन बहला के उसको खुश रखना है, कुछ ना कुछ देते रहना है। और ये शब्द इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के लिए कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 4 किस्म के मुसलमान, शेख, सैयद, मुगल और पठान, ये बाहर से आए थे, ठीक है, और शेख तो एक टाइटल हुआ, और बाकी जितने भी थे वो यहां से कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, उन्होंने धर्मांतरण किया था। अब क्यों किया था, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल है जो लोग भगवा गले में डालते हैं और तिलक लगाते हैं और पूरे भारत को एक सा बनाना चाहते हैं। जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर और जाति व्यवस्था के नाम पर जितनी ज्यादतियां हुई हैं, उस कारण लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ भी गए, इस्लाम की तरफ भी गए, सिक्खी की तरफ भी गए, जहां पर बराबरी का उन्हें मौका मिलेगा, जहां पर समाज में वो ऊपर जा सकेंगे। बहरहाल, एक SC ST एक्ट भी बनाया गया था इसी बात के तहत कि शेड्यूल कास्ट माने दलित, जिसे दलित कहा जाता है वो शेड्यूल कास्ट, और ST शेड्यूल ट्राइब आदिवासी, दलितों और आदिवासियों पर सदियों से जो ज्यादतियां होती आई हैं सवर्णों द्वारा, अगड़ों द्वारा, उससे उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन 20 मार्च को इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन किया। पहले ये होता था कि मतलब एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं हो सकती थी अगर किसी के खिलाफ कोई ज्यादती हुई हो किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया। जजेस थे AK गोयल और UU ललित। ये था SK महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। इसमें इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको बता दूं कि भारत में हर 15 मिनट में किसी न किसी दलित के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है। ये भारत सरकार की फिगर्स है। हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। सन 2007 से 2017 तक दलितों के खिलाफ जो अपराध हुए, दलितों को लेकर जो अपराध हुए, उसमें 66% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। ये सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये वहां से डेटा लिया गया, ये भारत सरकार का ही है। और ये जो मार्च 20 की जजमेंट है ये भी यही कहती है कि पिछले 10 साल में जो दलित महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं हैं वो दुगनी हुई हैं। और ये भी कहा गया कि जो चार्जशीट है सिर्फ 78% केसेस में फाइल हुई है। और बहुत से लोग तो जाते ही नहीं है शिकायत करने पुलिस में कि बदला, जो ऊंची जातियां हैं वो बदला ना ले लें। आपने अभी हाल ही में देखा पिछले कुछ सालों में ये गौरक्षा के नाम पर जो पीटना, दलितों का उत्पीड़न, जिससे जिग्नेश मेवानी जैसे नेता खड़े हुए, अल्पेश ठाकुर जैसे नेता खड़े हुए कि अगर कोई गाय भी ले जा रहा है तो उसको पीटना और उसके वीडियोस चले यहां पर जगह जगह। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो गैर मुस्लिम, गैर क्रिश्चियन, ठीक है, गैर बौद्ध, गैर सिख, गैर जैन और अब गैर लिंगायत, बाकी जो बचा जिसे हिंदू कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वहां पर हुआ ये सब कुछ। दरअसल जो कन्विक्शन रेट है, सजा कितने लोगों को मिली, गुजरात में सिर्फ 3.4% लोगों को सजा मिली, ये नेशनल एवरेज का से 6 गुना कम है। जबकि नेशनल एवरेज है कि ऐसे केसेस में जहां जहां शिकायतें आई थी कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ ज्यादती हुई है, कन्विक्शन रेट जहां सजा हुई 28.4% है, यानी 8 केसेस में से 1 में जरूर कन्विक्शन हुई थी। बहरहाल, नंबर बहुत ज्यादा हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी हैं। उनका ये कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया है लोगों ने, बदला लेने की भावना से भी किया है लोगों ने। जब वो लोग कहते हैं तो उनका मतलब दलित और आदिवासियों से, कि इन लोगों ने इसी कानून का गलत इस्तेमाल भी किया है। तो गाइडलाइंस जो इश्यू करी हैं वो जो सरकारी अफसर हैं या नौकर हैं उनके लिए, और जो गैर सरकारी हैं काम करने वाले उनके लिए, कि एकदम से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई रिटन परमिशन ना हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। ये सरकारी नौकरों के लिए है कि जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है उसकी लिखित में
परमिशन ना हो, इजाजत ना हो, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को सिर्फ इसी आरोप पे कि इसने एक दलित या आदिवासी को तंग किया है या ज्यादती करी है. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड बिफोर द एफआईआर इज रजिस्टर्ड टू चेक वेदर इट फॉल्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द एक्ट एंड इफ इट इज फ्रिवलस और मोटिवेटेड. एक शुरुआती जांच होनी चाहिए कि ये जो शिकायत की गई है किसी के खिलाफ, किसी ने की है, किसी दलित ने या किसी आदिवासी ने, उसकी एक शुरुआती जांच होनी चाहिए कि क्या ये शिकायत सही है या सिर्फ शरारती तत्व है कुछ और उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए की गई है, मोटिवेटेड है. ये जो बेंच, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जस्टिस ए के गोयल, जस्टिस यू ललित, इन्होंने ये भी कहा कि मतलब पिछले 30 सालों में ये बातें सामने आई हैं कि SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये 1989 में बना था, इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए भी किया गया है. इसका इस्तेमाल जो ऐसे नागरिक हैं जो इनोसेंट थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको भी एक्यूज बनाने के लिए किया गया है, उन पर भी आरोप थोपने के लिए किया गया है. और ये जो एक्ट है, जाति की जो भेद है, दरारें हैं, उसको मिटाने के बजाय उसने जातिवादी जो नफरत है उसको ज्यादा फैलाया है. और जस्टिस गोयल का तो ये कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल शुड बी अलाउड इफ द अक्यूज इज एबल टू प्राइम ऑफ एसआई प्रूव दैट द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इज मैलिफाइड. पहले एंटीसिपेटरी बेल भी अलाउड नहीं थी इस एक्ट में. अब जस्टिस गोयल का कहना है कि अगर प्रथम दृष्टया, जैसे बोलते हैं प्राइम ऑफ एसआई, अगर देखते ही लगे कि ये जो शिकायत है किसी के खिलाफ ये दुर्भावना से है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल भी मिलनी चाहिए. बहरहाल चुनाव का मौसम है और दूसरी तरफ मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश में चली है. इस वक्त गुजरात के बाद राजस्थान दूसरी लेबोरेटरी है हिंदुत्व की, बिहार तीसरी बन रहा है. लेकिन बिहार की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है. वो ये कहानी है कि वहाँ पर मंडल और कमंडल साथ साथ चल रहे हैं. रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो, दोनों मंडल की राजनीति की पैदाइश है. और जबकि कमंडल की राजनीति इस वक्त दंगों की शक्ल में चल रही है, चाहे वो रामनवमी के जुलूस हों जहाँ पर जंग खाई तलवारें न जाने कहाँ से बाहर से आई हैं. हमने कभी नहीं देखा था कि जुलूसों में नौजवान लोग जिनके पास ना नौकरियां हैं ना कुछ करने को है, दिहाड़ी पर भी लिए जाते हों, गले में उनके भगवा डाल दिया जाता हो, वो तोड़ फोड़ करते हों. आने वाले एक साल में हमें ऐसी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी. देखना ये है कि इस देश में कौन सी राजनीति चलेगी, मंडल की या कमंडल की, या जैसे चलती आई है कि भारत एक छाता है, भारतीयता एक छाता है, उसके नीचे सब तरह के लोग रहते आए हैं, वैसी चलेगी. आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ है जो गैर जरूरी है, जो नहीं होना चाहिए, जिस पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ. मसलन बॉलीवुड फिल्मों की एक्टर रेखा का राज्यसभा में आना और फिर वहां से चले जाना. वो आई भी और वो गई भी, किसी एक डिबेट में हिस्सा नहीं लिया. बिल्कुल इसी तरह सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में आना और चले जाना, 22 सवाल पूछे उन्होंने बेशक, लेकिन किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया. बिल्कुल इसी तरह सिंधु दर्शन हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां लद्दाख में सिंधु के किनारे बैठकर उसमें काफी सारे किलो दूध उड़ेला गया कि ये दूध और ये गुलाब के फूल जाएंगे और सिंधु जहां जहां से बहती है पाकिस्तान के इलाकों से होते होते वहां एक गुडविल का संदेश लेकर जाएंगे. बिल्कुल इसी तरह जब मरहूम स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो यमुना की शुद्धि के लिए कितने क्विंटल दूध उसमें डाला गया था कि दूध डालने से यमुना शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, उसकी जो जितनी भी गंदगी है, आज के दिन गंदा नाला है यमुना, मेरे घर के नजदीक ही है, हाँ, वो सब साफ हो जाएगी. और बिल्कुल इसी तरह से ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं, गैर जरूरी चीजें हैं, सवाल उठते हैं दिल में, जहन में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ. बिल्कुल इसी बात को लेकर ऐसे ही सवाल उठ रहा है कि कहाँ से आया था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, फिल्म का गाना था मेरे ख्याल 3 इडियट्स का. तो ये अन्ना हजारे पे लागू हो रहा है कि वो आए क्यों थे और वो गए क्यों हैं. गीता सार का जो मतलब एक उपदेश था भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को कि तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, वही हमारा दिल कर रहा है अन्ना हजारे से पूछे थे कि भाई क्या लेकर आए थे, कौन सी मांगे लेकर आए थे और क्या लेकर गए हो. खाम खाम में 2011 में पूरे देश को हिलाने की कोशिश की, पीछे संगठन था और माहौल सारा खराब हुआ.
इस दफे तो 1000 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए और अब धमकी भी देकर गए हैं कि सितंबर तक मैंने समय दिया है सरकार को, अगर ये मांगे पूरी ना हुई तो मैं सितंबर में फिर आऊंगा। अगर 1000 लोग भी ना आए सितंबर में, कुछ कमी पड़ जाए तो आप हमें बता दीजिए, हम 10-15-20 लोग तो इकट्ठे करके भेज ही देंगे। बहरहाल अन्ना हजारे का अनशन शुरू जैसे हुआ था वैसे ख़त्म भी हो गया और 6 दिन रहा उनका अनशन। इस दफे क्यों रहा किसी को नहीं मालूम, और उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने उन्हें एश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है कि उनकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, कि मतलब किसानों को जो फसल की कीमत है वो भी मिलेगी, उचित कीमत मिलेगी, और लोकपाल पे भी जिक्र होगा और जो चुनाव में सुधार करने वो भी होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये बहुत ही जूनियर मिनिस्टर हैं, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्ना हजारे के यहाँ पहुंचे, उनको पानी पिलाया, कम से कम जूस तो पिला देते, लेकिन पानी पिला के उनका अनशन तोड़वाया और अन्ना हजारे उसके फौरन बाद सरकारी गाड़ी में बैठकर महाराष्ट्र सदन चले गए। अमूमन 5-6 दिन के अनशन के बाद लोग अस्पताल जाते हैं, मेडिकल चेकअप होता है उनका। बहरहाल वो आए क्यों थे और गए किन कारणों से किसी को नहीं मालूम, इसलिए सवाल उठा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हिंदुस्तान में, हैरानी होती है कि वो होती ही क्यों है, जैसे रेखा जी का राज्यसभा में आना और फिर वहां से चले जाना। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।